मैं बिल्कुल एग्री करता हूं गवर्नर स्टेट बैंक से, और मैंने इसको रिएक्ट करते हुए दो हफ्ते पहले सो मोटो लिया है कि डॉलर गिरने में गिराने में किस किस का रोल था। और मैं समझता हूं गवर्नर स्टेट बैंक ने नॉक किया है हुकूमत के डोर पे बार बार कि महंगाई आ रही है, महंगाई का तूफान आ रहा है, क्योंकि डॉलर गिरा रहा हूँ मैं या गिर रहा है, ये गिरने की वजूहत नेचुरली हम पूछेंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सारे काम छोड़कर इस वक्त गिरते हुए रुपए को संभालना चाहिए, जो कि मैं पिछले 6 महीने से रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, उस हाउस में भी और बाहर भी। और यहीं मैंने कहा था 112 से ये जाएगा 30, 35, 40, 50। उसके बाद मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं बोलने की, मैं ये हुकूमत को ये भी कहूँगा कि वेनेजुएला के मॉडल का ज़रा स्टडी कर लें। उन्होंने भी हमारी तरह बिल्कुल रिलैक्स माहौल रखा और करेंसी को गिरने दिया। आज वेनेजुएला की जो इकानमी है दुनिया की नंबर वन ख़राब इकानमी है, तो लिहाजा रुपये को रोकें ताकि ये ना हो कि गरीब इतना पिस जाए और हमारी जो हुकूमत या हमारा जो सिस्टम है उसमें आगे बढ़ के लोग फिर बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरे लिए परेशानी का बायस हुआ। और जब मैंने दो हफ्ते पहले लिया तो किसी ने कहा भाई ये फाइनेंस का मैटर है, मैंने कहा बिल्कुल फाइनेंस का मैटर है, लेकिन आप ये मत भूलें कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट जो है वो FIA देखता है, उसकी कॉग्निजेंस वो लेता है। तो लिहाजा मैंने FIA की ड्यूटी लगाई कि देखें वो कौन सा सिंडिकेट है, वो कौन सा ग्रुप है जिसने एक रात में 10 रुपये गिरा कर फ़ायदा उठाया। और मैं ये बताता हूँ कोई ना कोई उसमें कैच है, क्योंकि मैंने ऐसा ही एक स्कैंडल पकड़ा था जब मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर था और मुझे आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि देखें इस चीज़ को कैसे देखना है और क्यों हो रहा है। और वो 95 से 90 रुपये पे वापस लेके आया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे हकीकत में जो कुछ हो रहा था उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको रेक्टिफाई किया था। हुकूमत को मैं कहूँगा कि डॉलर की प्रायोरिटी पाकिस्तान पाक रुपीज़ के साथ डील करने वाले कोई जो भी है उनकी पे कड़ी नज़र भी रखी जाए और एक कमेटी बना के इसका फैसला किया जाए। बहरहाल मैंने इसकी तफसील 21 तक मांग ली है, इंशाल्लाह मैं पब्लिक हेयरिंग भी दूंगा और जो चेहरे हैं उनको एक्सपोज करके कोशिश करेंगे कि उनको कानून के कटहरे में खड़े। अच्छा, मैं कैसा देखते हैं? देखिए मैं तो इस चीज़ में देखता हूँ कि अगर आपने प्रेजिडेंट हाउस भी बनाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, जिस जगह रहेंगे खर्चा तो होगा, लेकिन खर्चे को कटेल कर लें, इतना ना करें कि 14 करोड़ रुपया आ गया। जी जी बोझ है। बहरहाल मैं इस पर कह नहीं सकता, ना मैंने ऑडिट किया ना मैंने उसको देखा है, लेकिन ये कहूँगा मैं कि जितनी भी बेहतर सिंपलिसिटी और सादगी से काम किया जाए बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़े मामलात हैं हमारे मुल्क के, उनको देख लें। और मैं आज ये दो चीज़ों की प्रचार कर रहा हूँ, एक अपने फॉरन रिलेशन को प्रूव कर लें, फैट ऐप में हमारे साथ वो कोई सही सलूक करने वाले नहीं है, अमेरिका रिलीजियस फ्रीडम के चक्कर में हमारे पास सैंक्शन लगाने के चक्कर में है और पूरी कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आपके सामने है, आपका रुपया जिस अंदाज से गिरता वो भी आपके सामने है। इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, घर की लड़ाई घर की तरह जारी रहे, लेकिन बाहर को पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तानी इकॉनमी को बचाने के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिसी को बेहतर करने के लिए पॉलिसीज बनाएं। ये जो हमारे कैबिनेट है या हमारी पार्लियामेंट है, ये पाकिस्तान की आवाम के तहफ़ुज़ के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए। अगर आप उनके लिए बेहतरी नहीं लाएंगे तो लोगों का एतमाद पार्लियामेंट पे उठ जाएगा। और कोशिश करें ये पार्लियामेंट का जो एक कॉन्फिडेंस है, एक लोगों के जिनों में एक होप है, प्लीज़ डोंट किल द होप ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप उस होप को किल करेंगे तो पाकिस्तान के फ्यूचर को किल करेंगे। तो लेट्स वर्क ऑल ऑफ अस टू गिव द होप, टू हेल्प द होप, एंड लेट्स होप दैट पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव अ बेटर होप टू लिव द फर्दर लाइफ। थैंक यू सर।